हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को वही पहला चैप्टर जो है व्याकरण का, उसी में से आज अब मैं आप लोगों को बताऊंगी क्या है संयुक्त व्यंजन। ठीक है, ये क्या है संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं वे हम आप लोगों को बताएंगे। देखिए यहाँ पे दो व्यंजनों के मेल से, पहले तो हम आप लोगों को बता दें कि व्यंजन कितने होते हैं। अब संयुक्त व्यंजन जो है दो व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजन, दो व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजन क्या कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। दो व्यंजन जैसे मैं आप लोगों को बता दे रहे हैं छ, ठीक है, त्र ज्ञ स्र ध्व द्य, ठीक है, छ यहाँ पे लिखा हुआ है दो व्यंजनों की, तो ये भी व्यंजन है, ठीक है, ये भी व्यंजन है और ये भी व्यंजन है, ठीक है। दो व्यंजनों के मेल से जो बनते हैं वे कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन। तो क और मूर्धन्य ष, ठीक है, उससे क्या बनते हैं छ। उसके बाद में त्र, ये भी व्यंजन है और ये भी व्यंजन है, तो ये दो त और र इससे मिलकर बना क्या त्र। अब आइए ज्ञ, ज और य, ज और य से क्या बनते हैं ज्ञ। स्र तलावे स और र, इससे क्या बने हैं स्र। ध्व द और व, इससे क्या बन गया ध्व। अब आ गया ध्य, द और य, ठीक है, ये आपके हो गए संयुक्त व्यंजन। यानी कि दो व्यंजनों के मेल से जो बनते हैं वे कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन। ये हो गए टोटल आपके संयुक्त व्यंजन, ठीक है। और ये जो हम लगाए हैं इसको हम लोग कहते हैं हलंत, और ये मैं आप लोग को बता दे रही हूँ, ठीक है। हलंत किसे कहा जाता है, यानी उसको कब लगाया जाता है, ठीक है। स्वर रहित व्यंजन, स्वर रहित व्यंजन लिखते समय स्वर रहित व्यंजन लिखते समय उसके नीचे एक तिरछी रेखा लगा दी जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हलंत कहते हैं। ठीक है, जैसे में जैसे क, ये क हो गया, और तिरछी रेखा क्या बोल रहा है कि तिरछी रेखा, तो हम तिरछी रेखा लगा दे रहे हैं, तो ये क्या हो गया हलंत। क इसमें भी तिरछी रेखा लगा दी, तो ये भी क्या हो गया हलंत। क ख ग, ठीक है। शुद्ध व्यंजन, शुद्ध व्यंजन अर्थात स्वर रहित व्यंजन में स्वर मिलने के बाद हलंत हटा दिया जाता है, तथा स्वरों की मात्राएं
जोड़ी जाती है। ठीक है, यानी कि हलंत हम कब लगाएंगे, स्वर रहित व्यंजन लिखते समय, यानी कि जिसमें स्वर नहीं हो, व्यंजन केवल हो, उसी में हम लोग हलंत लगाते हैं। ठीक है, उसी में अगर हलंत हम लोग लगा दिए, तिरछी रेखा खींच देते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, हलंत। जैसे क, ये भी आपका व्यंजन है, ख ये भी व्यंजन है, और ग ये भी व्यंजन है। शुद्ध व्यंजन अर्थात स्वर रहित व्यंजन में स्वर मिलने के बाद, जैसे हम लोग क लिखे, इसमें स्वर अगर जोड़ देते हैं तो क जोड़ यहाँ पे लिखेंगे अ, ठीक है, तो अ में हलंत नहीं लगेगा, क्योंकि स्वर मिल जाने के बाद हलंत हट जाता है। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, यानी कि स्वर रहित व्यंजन लिखते समय उसके नीचे एक तिरछी रेखा लगा दी जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हलंत कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, अंग, यानी कि आप लोग लिख सकते हैं। अब देखिए, शुद्ध व्यंजन अर्थात स्वर रहित व्यंजन में स्वर मिलने के बाद हलंत हटा दिए जाते हैं, यानी कि व्यंजन हम लोग लिखेंगे तो उसमें हलंत लगाएंगे, उसके बाद में अगर इसमें हम लोग ऐड कर दिए स्वर तो हलंत हट जाता है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और इसको याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि मेन बुक में ये सब नहीं करना है, व्याकरण में आप लोग को ज्यादा पढ़ना है यही सब, हलंत विसर्ग, इसको आप लोग नोट करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।